नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हां देश में दंगा करने वाले राकेश टिकैत का एक और शर्मनाक बयान सामने आया है। खुद लगातार उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रच रहे राकेश टिकैत ने बयान देते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या हो सकती है और साथ ही साथ ये भी शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि बीजेपी और संघ पार्टियां देश की सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टी है। लेकिन आपको बताएं कि राकेश टिकैत के इस बयान के बाद अब लगातार राकेश टिकैत के बयानों की निंदा हो रही है और अब लगातार राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर मांग तेज होती दिखाई पड़ी है। जी हां, एक बार फिर से किसानों की याद में देश में दंगा कराने वाले राकेश टिकैत का शर्मनाक बयान सामने आया है। जो राकेश टिकैत खुद सांप्रदायिक मामलों को सामने ला लाकर किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राकेश टिकैत दरअसल अपनी राजनीति चमकाने के लिए या यूं कहा जाए कि अपने मानसिकता को दर्शाने के लिए और जो खुद वह स्वयं लगातार एक के बाद एक पूरे देश में दंगा कराने की साजिश जो लंबे समय से रच रहे थे, मुझे लगातार बेनाकामयाब होती दिखाई पड़ रही है, तो उसको लेकर अब राकेश टिकैत की बौखलाहट सामने आई है और उन्होंने एक बार फिर से विवादित और शर्मनाक बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या हो सकती है। जी हां, और इसके अलावा राकेश टिकैत ने बयान देते हुए यह भी साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए किसानों के विरोध का इस्तेमाल कर रही है और यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए यह कहा है कि सरकार चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हिंदू नेता की हत्या करवाकर चुनाव जीतने की साजिश रच रही है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये राकेश टिकैत के उनके खुद के मन की वो मंशा है जो लगातार वो कई बार अपनी बातों से अपने बयानों से जग जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि इसके पहले अगर राकेश टिकैत के तमाम बयानों को देखा जाए, उन तमाम बयानों को जो सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही वाले बयान हमेशा राकेश टिकैत ने दिए हैं, कभी वो लगातार लाल किले में हिंसा करवाने को लेकर इसका समर्थन करते दिखाई पड़ रहे थे, तो अब जिस तरीके से दिल्ली से लेकर लखनऊ कूच करने की बात जो राकेश टिकैत कर रहे हैं और अब जिस तरीके से इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश में अब एक हिंदू नेता की हत्या कराने का जो बयान राकेश टिकैत ने दिया है, ये दरअसल उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, ये दरअसल राकेश टिकैत की मंशा को जग जाहिर करता है। जो राकेश टिकैत लंबे समय से किसानों की आड़ में इस किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में दंगा करने की साजिश रच रहे थे, अब किस तरीके से उनके शब्द जो है उनके बयानों में साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान घबराकर या फिर यूं कहें कि बौखलाहट में दिया है कि बीजेपी से ज्यादा कोई ज्यादा खतरनाक पार्टी नहीं है, तो ऐसे में राकेश टिकैत को यह समझना होगा कि बिल्कुल आपने सही बयान दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी देश विरोधियों पर एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई करती है, तो इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को सही पहचाना है और इसीलिए शायद राकेश टिकैत ने एक बार फिर से अपने हालांकि विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपना डर दिखाने का काम किया है, अपनी बौखलाहट दिखाने का काम किया है। दरअसल आपको बताएं कि राकेश टिकैत को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ उन मासूम किसानों की आड़ में जो इस वक्त खेत में अपने काम कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए किसी विशेष एजेंडे पर चलकर काम करने के लिए और पाकिस्तान और खालिस्तानियों की भाषा बोलने के लिए राकेश टिकैत मोदी सरकार को और तमाम जो एक के बाद एक एक्शन कड़े एक्शन इन तथाकथित किसानों पर लिए जा रहे हैं, तो इनको कभी वो तालिबान हालांकि कहते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन आपको बताएं कि दरअसल राकेश टिकैत की असली मानसिकता सबके सामने अब सब कुछ खुलकर आ चुकी है कि किस तरीके से राकेश टिकैत और उनके गुंडे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर टीएमसी के तमाम बड़े नेता ममता बनर्जी या फिर अन्य नेता हो, जो लगातार इस पूरे आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और उन्हीं की शय में राकेश टिकैत लगातार बड़बोले होते जा रहे हैं, जो लगातार अब तक किसानों के हित की बात कर रहे थे, कैसे शुरुआती दौर में राकेश टिकैत ने अपने आंसुओं की राजनीति कर इस मोर्चे को कामयाब बनाने का थोड़ा सा सफल कामयाब हालांकि राकेश टिकैत हुए थे, लेकिन किस तरीके से लाल किले में 26 जनवरी को हिंसा के बाद राकेश टिकैत का यह आंदोलन सबके सामने आ गया था कि कैसे
सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान के मंसूबों को पूरा करने के लिए, पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा करने के लिए और बाहर से विदेशों से बड़ी बड़ी मोटी रकम की फंडिंग लेकर राकेश टिकैत इस आंदोलन को चला रहे हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अपने मंसूबों को दिखा दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करने की बात हालांकि वो कहते दिखाई पड़ रहे हैं, अब इसको लेकर लगातार तमाम तरह के सवाल हालांकि सोशल मीडिया में खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से राकेश टिकैत एक के बाद एक षड्यंत्र बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो दंगा फैलाने को लेकर बार बार दंगे वाले बयान दे रहे हैं, देशद्रोही बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर अब लगातार ये मांग उठ रही है कि अब आखिरकार बहुत हो चुका है, राकेश टिकैत अब पूरी अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं और इसके लिए अब उन्हें पुलिस को गिरफ्तार करना होगा। क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से राकेश टिकैत एक के बाद एक तमाम शर्मनाक बयानबाजी कर चुके हैं, ये सबके सामने है कि कैसे राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ दंगों को भड़काना चाहते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि अभी हाल ही में जो हरियाणा में जो लगातार जो मामला सामने आया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बैठक को सोचिए आप रोकने के लिए, ये भारतीय यूनियन के जो संघ के जो नेता है, जो राकेश टिकैत गैंग के जो तमाम वो मेंबर है जिनके लिए पुलिस ने पहले से ही हरियाणा में उनका रूट तय किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से टकराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए राकेश टिकैत के गुंडे बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और किस तरीके से बदसलूकी करने का काम राकेश टिकैत के गैंग के ये मेंबर कर रहे थे, इसके बाद साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से हालांकि लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसको लेकर भी राकेश टिकैत का शर्मनाक बयान सामने आया था। और राकेश टिकैत ने किस तरीके से उस एसडीएम को उस एसडीएम पर आपत्तिजनक बोल बोलते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि ये सरकारी तालिबान के दरअसल कमांडो है और इसलिए सरकारी तालिबान के ऊपर से जो आदेश आते हैं ये कमांडो उन आदेशों को पूरा करने का काम करते हैं। लेकिन दरअसल आपको बताएं कि राकेश टिकैत खुद खालिस्तान के कमांडर हैं, पाकिस्तान के वो कमांडर हैं जो लगातार इस बेवजह के आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इस आंदोलन की तमाम जो पोल पट्टी सबके सामने खुली है कि कैसे इस आंदोलन की आड़ में ही महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कैसे इस आंदोलन में ही किसानों को जलाकर मारा जा रहा है और कैसे इस आंदोलन में ही सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान और पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है, ये तमाम खुलासे कई बार इस हालांकि इस आंदोलन को लेकर हो चुके हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेकर मोदी सरकार भी साफ तौर पर सख्त लहजे में ये कह चुकी है कि आंदोलन करना हालांकि बिल्कुल सही है, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप अपने आंदोलन के चलते किसी अन्य लोगों को परेशान करें, जिसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी साफ तौर पर केंद्र सरकार से लेकर अलग अलग सरकारों को राज्य सरकारों को भी आदेश दिया जा चुका है कि अब जो ये किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है अब ये जो सीमाएं हैं वो पूरी पार कर चुके हैं किसान तमाम ये आंदोलन को लेकर, और अब राज्य सरकारें इन पर नियंत्रण करने का काम करें और अपने हिसाब से इन समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाए, जिसको लेकर तमाम हरियाणा सरकार से लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार इन समस्याओं का समाधान खोजने में लगी हुई है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार राकेश टिकैत की मुश्किलें बड़ी हुई हैं और उनकी मुश्किलें इस कदर उनके बौखलाहट में सामने आ रही है कि कभी वो लखनऊ का घेराव करने की बात करते हैं, कभी वो सरकारों का इलाज करने की बात करते हैं, तो कभी वो लगातार एक के बाद एक बयान देकर कमांडर की पहचान करनी पड़ेगी, ऐसे बयान देते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन आपको बताएं कि अब यह आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत के अपने सहयोगी ही भानु प्रताप साफ तौर पर इस आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा कर चुके हैं कि दरअसल यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस से तमाम बड़े बड़े ऐसी पार्टियां हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी भाषाओं को बोलना और देश विरोधी गतिविधि करने वालों का साथ देना है, वहां से लगातार इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए फंडिंग की जा रही है। यह खुलासा भी भानु प्रताप ने साफ तौर पर किया था और यह बड़ा खुलासा करते हुए खुद को इस आंदोलन से अलग कर दिया था। यह दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत की पोल अब जो जगह जगह पर खुल रही है, इससे राकेश टिकैत बुरी तरीके से बौखला गए हैं और अब किस तरीके से देश में किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय मंच से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का काम किया जाए, यह मोर्चा राकेश टिकैत उठाए हुए हैं। और इसीलिए अब राकेश टिकैत, क्योंकि अब अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में जहां पर अब बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और इन जगह पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, ये मुंगेरी लाल का सपना राकेश टिकैत देख रहे हैं और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर बंदूक अपनी रखते हुए किसी हिंदू नेता की हत्या की बात कहते दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने देश विरोधी बयान दिया है, ये शर्मनाक बयान दिया है, इसके लिए पुलिस को राकेश टिकैत की गिरफ्तारी करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत अपने मंसूबों को दिखाते हुए नजर आए हैं, ये बड़ी वजह है कि इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर अब गंभीरता से इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर राकेश टिकैत किसके इशारों पर काम कर रहे हैं और आखिर वो कौन लोग हैं जिनके एजेंट बने फिरते हैं राकेश टिकैत और आखिर क्यों इस तरीके से बयानबाजी हालांकि राकेश टिकैत देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर हालांकि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आपको बताएं कि राकेश टिकैत का डर है या राकेश टिकैत का वो खौफ है जो लगातार उन्हें अब सता रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त अभी किसान आंदोलन का जो धरना लंबे समय से राकेश टिकैत चलाते हुए आ रही है खत्म होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर तमाम अलग अलग राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री पूरे गंभीरता से इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस पूरे धरने को खत्म करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत लगातार बौखलाते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।